गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। अभी अभी जो नायका का सेल ख़त्म हुआ है, हॉट पिंक सेल, उससे मैंने अपने लिए कुछ सामान मंगाया है, जिसको मैं बहुत कुछ ऐसे सामान है जिसको मैंने फर्स्ट टाइम मंगाया है और उसे मैं यूज़ करके देखना चाहती थी कि वो कैसा है। तो आइए आज मैं शेयर करती हूँ आपसे अपना नायका का हॉट पिंक सेल। मैं दिखाती हूँ, सबसे पहले मैंने लिया है ये स्विस ब्यूटी का लिक्विड हाइलाइटर। ये देखिए, इसका पैकेजिंग बहुत अच्छा था। स्विस ब्यूटी का ड्रॉप एंड ग्लो, इसमें से ये मैं दिखाती हूँ इसका। ये बहुत अच्छा मेटालिक गोल्ड कलर में है, बहुत अच्छा हाइलाइटर है। आई थिंक मैंने इसे पहले कभी यूज़ नहीं किया है, ये फर्स्ट टाइम मैं इसे ली हूँ। अब इसे मैं यूज़ करूँगी और बताऊँगी आपको कि ये कैसा है। इसके बाद मैंने लिया है स्विस ब्यूटी का ये आई शैडो पैलेट। इसमें बहुत सारे कलर हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे कलर हैं। मैं इसको दिखाती हूँ, देखिए आप, ये स्विस ब्यूटी का है। इसमें खोल के दिखा रहे हैं, इसमें कलर है, गोल्ड है, हाइलाइटर का काम करेगा, ब्लश का काम करेगा, ब्राउजर का काम करेगा, मल्टी यूज है। ऐसे ये है मेरा स्विस ब्यूटी का आई शैडो पैलेट। इसके अलावा मैं ली हूँ गार्नियर का मिस क्लियर वाटर। इसका मुझे ज़रूरत था एक्चुअली, ये मेरे पास नहीं था, ख़त्म हो चुका था, इसलिए मैंने इसे भी यूज़ किया, से भी मंगवाया है अभी नायका पिंक हॉट सेल से। इसके बाद मैं ली हूँ, आपको दिखाती हूँ। एक तो नायका वाले ने इतने छोटे छोटे, मतलब इतने बड़े बड़े बॉक्स में एक एक आईब्रो पेंसिल करके भेजे। मेरे पास बॉक्स इतने हैं, लग रहा मैंने बहुत सारा सामान मंगाया है, बट सामान बहुत ज़्यादा नहीं। ये है स्विस ब्यूटी का, बहुत डार्क ब्लैक है ये, कितना अच्छा है। काजल ऐसी नायका। इसके बाद मैं नायका से ली हूँ ये लैक्मे का आईलाइनर। एक्चुअली ये मुझे दूसरे कलर में चाहिए था, बट सारा स्टॉक ख़त्म हो चुका था, सिर्फ ब्लैक अवेलेबल थे, तो मैंने इसे ब्लैक में ही ऑर्डर कर दिया। लेकिन मैं अभी फिर से लूँगी ब्लू कलर का, मुझे ब्लू ट्राई करना है। मैं कलरफुल लाइनर नहीं यूज़ करती, बट मुझे यूज़ कर ट्राई करके देखना है कि कैसा लगता है, मेरे फेस पे सूट करता है या नहीं। इसके बाद मैं ली हूँ पॉन्ड्स का बीबी क्रीम। ये मैंने बहुत छोटा वाला मंगाया है, पहले मैं इसे यूज़ करूँगी, उसके बाद मैं इसे देखूँगी कि कैसा है, फिर मैं इसे बड़ा। इससे पहले मैं गार्नियर का बीबी क्रीम यूज़ करती थी, पॉन्ड्स का मैं अभी मंगाई हूँ। बहुत छोटा सा ट्यूब है। इसके बाद मैं दिखाती हूँ, मैंने लिया है अगेन स्विस ब्यूटी का एक्चुअली ये आईलाइनर पेंसिल है गोल्डन कलर का। इसके अलावा स्विस ब्यूटी से मैं और है, इतने बड़े बड़े पैकेजिंग में मुझे इतना छोटा छोटा सामान मिला है। ये स्विस ब्यूटी का आईब्रो पेंसिल है, ये मैं डार्क ग्रे में ली हूँ। एक्चुअली मेरा आईब्रो ब्लैक है और मैं उसमें से फिर ब्लैक लगाती हूँ तो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है, इसलिए मैं डार्क ग्रे में ही ज़्यादा आईब्रो पेंसिल यूज़ करती हूँ। इसका कलर देखिए बहुत अच्छा है ये। इसके बाद मैंने लिया है ये
ये ऐसे ही मिला है मुझे। इसके बाद अगेन मैं लिया स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर, इसका सेट है पिंक क्रश। एक्चुअली मुझे लिप लाइनर को पूरे लिप में अपना लिपस्टिक के जैसा अप्लाई करना बहुत अच्छा लगता है, और ये जल्दी हटता भी नहीं है लिपस्टिक के कंपेयर में। मैं अभी आपको अपने बॉक्सेस दिखाऊंगी ना कितने सारे हैं, तो आपको आश्चर्य लगेगा। और सामान देखिए, इसके बाद मैंने लिया है एले कलर का मस्करा। मैंने अभी तक इसे यूज़ नहीं किया है, मैं ज़्यादा मेबलिन का मस्करा यूज़ करती हूँ या फिर लैक्मे आइकॉनिक। इसे मैंने फर्स्ट टाइम लिया है यूज़ करने के लिए, मैं इसे देखूँगी कि ये कैसा है। और ये खुल नहीं रहा है मुझसे, इतना मेहनत लगा इसे खोलने में। ये ऐसा बॉक्स में है, इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है इस बार नायका की। किस किस पूरी मैं इसे दिखाती हूँ सामने से आप लोगों को। किस किस ब्रश, मैं इसे किसी अपने वीडियो में लगाऊंगी, फिर मैं इसका रिव्यू आप लोगों को बताऊंगी जल्दी जल्दी। इसके अलावा मेरे पास सेम एले गर्ल का ये लिपस्टिक है, जो पता नहीं सेट नंबर कौन सा है क्योंकि मैंने कुछ सामान लिया उसके साथ मुझे ये फ्री मिला है। पता नहीं कैसा कलर है इसका, मैं इसे देखती हूँ। यार कितना पैक करके देते हैं, ब्राउन कलर, कॉफ़ी कलर है। पता नहीं मैं इतना डार्क लिपस्टिक अभी लगाऊंगी अभी या नहीं, पर मैं कोशिश करूंगी कभी ना कभी इसे लगाने की। पता नहीं मैं इसका क्या करूंगी, पर काश ये पिंक होता। इसके बाद मेरी एक और बॉक्स है, इसमें मैं देखती हूँ क्या है। और ये खुल नहीं रहा है मुझसे, खुल जाओ बाबू, खुल जाओ प्लीज़, खुल जाओ। ये स्विस ब्यूटी का आई शेडो, रोल ऑन आई शेडो। मतलब मैं कभी जल्दी जल्दी में हूँ ना तो बस इसे ऐसे 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 करूँगी और निकल जाऊँगी। इसे मैं ब्रश से पूरा अप्लाई करने का ज़रूरत नहीं है। मैं इसे दिखाती हूँ, देखिए कितना सही है ये। और ये भी मुझे फ्री ही मिला है, मैंने इतने सारे स्विस ब्यूटी के सामान मंगाए जिसमें मुझे ये रोल ऑन फ्री मिला है। और क्या है इसमें, इतने बड़े बॉक्स हैं, नाम बड़े और देखिए इतना बड़ा बॉक्स है, नाम बड़े और दर्शन छोड़ी। और देखिए मैंने नायका का छोटू मिनी सा लिपस्टिक मंगाया है, मैं इसे आपको खोल के दिखाती हूँ। कितना छोटू सा है, और इसका कलर, ये सारा जो भी सामान मैंने मंगाया है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। वाह इसका कलर बहुत अच्छा है, मैं आपको कहाँ दिखाऊँ, मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। मतलब एक ही बार लगाने से कितना अच्छा कलर आया है, हाँ सही है लिपस्टिक। एक्चुअली नायका का मेरे पास बड़ा था कलर दूसरा था, तो हम सोचे कि पहले इस कलर को अपने ट्राई करते हैं खुद पे, अगर ये मुझ पर अच्छा लगेगा तो मैं फिर और मतलब इसका बड़ा पैक मंगाऊंगी। पर कलर इसका सच में बहुत अच्छा है, मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। और एक ही बार लगाने में कितना सही है ये। मैंने एक और नायका का मिनी लिपस्टिक मंगाया है, ये लिक्विड है, इसका सेड है थैंक यू, और इस लिपस्टिक का सेड है, और ये है मेरा नायका का छोटू सा मिनी सा लिपस्टिक
उसको दिखाती हूँ। सो क्यूट, कितना क्यूट है ये देखिए। ये लिक्विड लिपस्टिक है, एक्चुअली इसका कलर बहुत लाइट है, देख के ही पता चल रहा है। देख रहा है आपको, बहुत लाइट सा कलर है ये, बहुत क्रीमी क्रीमी है, बट ये ड्राई बहुत जल्दी हो जाता है। इसलिए ये नायका का ये भी लिपस्टिक काफ़ी अच्छा है, मैं इसे बड़ा में भी मंगाऊंगी और इसे ट्राई करूंगी, इसके बड़े पैकेजेस को मंगाऊंगी और इसे मैं ट्राई करूंगी। इसके अलावा हम मंगाए हैं पॉन्ड्स का, पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र, मैं इसे दिखाती हूँ खोल के। ये जेल फॉर्म में है, पता नहीं स्किन में लगाने से पता चलेगा ये कितनी जल्दी अब्सॉर्ब हो जाता है। और आज का मेरा ये नायका का हॉल बस इतना ही था, मैंने इतना कुछ मंगाया है, मैं इतना सा सामान इस बार नायका से मंगाया है और मैं इन सबको यूज़ करूँगी और सबके रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगी कि ये कैसा है, क्योंकि मैंने हम इसमें से जो भी सामान है इसको फर्स्ट टाइम मंगाए हैं यूज़ करने के लिए, कि मैं इससे पहले अपने यूज़ करके देखूँगी, इसके बाद इस सबका रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का मेरा वीडियो ये अच्छा लगा, आपको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू, ओके, बाय बाय, टेक केयर।